एक बड़ा स्टेयर केस उसके साथ आपके पास एक बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस व्यूअर्स उसके साथ आपके पास आ जाता है एक बड़ा एक मैसिव इंटीरियर लॉन। ये सारी चीजें व्यूअर्स आपको मिल जाती हैं 32 मरला की इस स्पेक्टेकुलर रियल स्टेट में, जो कि फेजेड बैरिटोन के ओवरसीज सेक्टर्स में और एक हाइटेड लोकेशन पर आपको व्यूअर मिल जाता है 16 करोड़ 72 लाख रुपए। इस फार्म हाउस वाली फील वाले घर का व्यूअर्स आपका आपकी डिमांड है व्यूअर्स। एक क्लोज डेड एंड स्ट्रीट है जिसको हम फैमिली स्ट्रीट भी कहते हैं, वो आपको सामने वो चौकी डब्बा शबा वो नजर आ रहा है जिसपे गार्ड बैठता है, तो इंतहाई सिक्योर एक जगह पर ये घर है। 8,000 स्क्वायर फीट इस घर का कवर्ड एरिया है और क्या कमाल की एलिवेशन और कितना एक वाइड आपको इस घर का फ्रंट मिल जाता है व्यूअर्स। 5 बेडरूम हाउस है, जितने आपके जितनी मर्जी को मेहमान है, कोई बड़ा आपका खानदान है, यहाँ अकोमोडेट होगा। यहाँ अगर आप इसके अलावा और मजीद आपको स्पेस चाहिए, अंदर बहुत एक मैसिव टीवी लॉन्च एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करने के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। वीर 16 करोड़ 75 लाख रुपए इस खूबसूरत 32 मरला के बहुत मॉडर्नली डिज़ाइंड और खूबसूरत इंटीरियर लॉन्च, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मोस्टली बड़े घरों में ये मिस होता है। तो वीर आपके सारे शशके आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स ये 32 मरला की रियल स्टेट पूरी कर रही है। व्यूअर्स 16 करोड़ 75 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। मेक श्योर करें विजिट एंड तक दें, क्योंकि अंदर स्टे के से आपको आइडिया हो चुका होगा कि कितनी जबरदस्त ये रियल स्टेट होने वाली है। आज व्यूअर्स इसका प्रॉपर विजिट स्टार्ट करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस खूबसूरत घर के इंटीरियर लॉन में, जो मुझे सबसे खूबसूरत एक जगह मिली जहां से मैं इस घर की प्रॉपर वीडियो का आगाज करूं। व्यूअर्स आपके पास बड़ा एक मैसिव, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे ख्याल में कोई 8-10 मरला एटलीस्ट आपका अकेला इंटीरियर लॉन आ जाता है, जो कि बहुत एक खूबसूरत आप इसको सिटिंग बना सकते हैं। आपके जो ईद वगैरह है, छोटे मोटे कोई फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, यहाँ आपको 20-25 लोग इजिली अकोमोडेट कर सकते हैं। प्लस शाम के वक्त अगर आपने कोई चाय काफी इंजॉय करनी है, आपने रात का डिनर यहाँ पे प्लान करना है, तो बहुत एक मैसिव आपके जगह है। खूबसूरत आपके पास पेबल वर्क है, साथ लाइट के यूज है, आपके पास प्लांटेशन है और काफी अच्छी खूबसूरत प्लांटेशन है। एक बड़ा आपके पास कार पोर्च एरिया आ जाता है, जिसमें अगर मैं पार्किंग स्पेस की बात करूं तो 4 गाड़ियां आप इजीली यहां पे आंखें बंद करके व्यूअर्स आप पार कर सकते हैं। देख दो अगर डाले पार कर रहे तो एक दो डाले बड़े आप इजीली यहां पे पार कर सकते हैं, कोई भी को डाले आपके जो है। व्यूअर्स आपके पास एक क्लोज डेड एंड स्ट्रीट है, जो कि फैमिली स्ट्रीट भी इसको कहते हैं, यानी कि आपका ये जो गली है यहाँ पे जो 4-5-6 घर हैं वही एक खूबसूरत सी कम्युनिटी बन जाएगी, आपस में एक दूसरे की वाकफियत भी हो जाती है और यहाँ वही बंदा आएगा जिसका यहाँ पे घर है, तो एक सेफ्टी के अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एक ज़बरदस्त चीज़ है। साथ ही आपके पास वो एक सिक्योरिटी बॉक्स आ जाता है जहाँ पे आपका गार्ड वगैरह वॉचमैन जो कि बैठता है, एक एक्स्ट्रा सिक्योर आपको ये इन्वायरमेंट मिल जाता है। फिर आपके पास खूबसूरत आपके पास ब्लैक कलर का इस घर का मेन गेट है। जल्दी से घर का प्रॉपर विजिट स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक बड़ा वाइड इस घर का फ्रंट है और फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो ऑल ओवर फ्रंट एलिवेशन आपके पास व्यूअर्स आ जाती है। रॉक वॉल, खूबसूरत एक बड़ा टेरेस है। साथ व्यूअर्स ये इस घर की जो मेन एक खूबसूरती है कि बड़ा घर हो, इतना बड़ा इंटीरियर लॉन हो और मेन एंट्रेंस आपके को पिदी सी हो तो बात नहीं बनती। एक आपकी ग्रैंड एंट्रेंस है जिसके मैं डोर्स की हाइट करूं तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट को 12-14 फीट आपको एक बड़े सॉलिड और जबरदस्त ग्रैंड एंट्रेंस के डोर्स मिलते हैं अंडर दिस शेड, जिसमें आपको स्टार लाइट्स खूबसूरत लगाई गई हैं आपके लिए। व्यूअर्स खूबसूरत मड़ी मेन एंट्रेंस है, 1 स्टेप अप आपको मिल जाता है इस घर का मेन लॉबी एरिया का एक्सपीरियंस, जो कि डबल हाइटेड है। स्काई लाइट्स आप देख सकते हैं, बड़े बड़े विंडो पैनल्स हैं, लाइट इनफ्लो इस वक्त बिल्कुल मगरिब का टाइम है और लेकिन घर के अंदर लाइट इनफ्लो देखें और ओवरऑल लाइट्स का थोड़ा आप इंप्रेशन देखें। और स्टेयर केस की बात कर ले तो स्टार प्लस के ड्रामो वाली पुरानी आपकी वाइब, जो कि आपके घर के दो पोर्शंस को ये स्टेयर केस प्रॉपर ऐसे डिवाइड कर देता है। व्यूअर्स ऑन द राइट जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज होती है, ड्राइंग एंड डाइनिंग इस घर का देख सकते हैं, देख लेते हैं। खूबसूरत आपके पास बड़े डोर्स है जिसमें टेम्पर्ड ग्लास है। व्यूअर्स आपके पास एक जबरदस्त आपके पास ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया की स्पेस है, इधर भी आपके विंडो पैनल्स हैं, आप कार पोर्च एरिया का व्यू कर सकते हैं। हाईली
वेंटिलेटेड ये घर है। ये फानूस है, आपका 2-3 ब्लेड फैंस हैं। यहाँ आप अपने गेस्ट्स को एंटरटेन करेंगे, आपके पास फायरप्लेस इंस्टॉल है और साथ ही व्यूअर्स आपका खाने खाने का जो है वो अगर कोई प्लान बन जाता है, यहाँ आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा अंडर दीज 2 ब्यूटीफुल शैंडेलियर्स या छोटे फानूस इनको मैं कह दूँ। साथ आपके पास ड्राइंग रूम के साथ आपके पास पॉड रूम भी आ जाता है ताकि जो आपके गेस्ट वगैरह एंटरटेन उनको कर सकें। इसके साथ ही आपके पास कनेक्टिविटी है आपके किचन की ताकि आप जल्दी जो है फुर्सत अच्छी बिल्कुल क्विकली अपने जो है गेस्ट को आप मील वगैरह पास करें, उनको खाना शाना खिलाएं। एक खूबसूरत आपके पास किचन है जिसमें कोरियन का काउंटरटॉप है, हुड एंड होब आपका इंस्टॉल्ड है, हायर की डबल डोर फ्रिज है और ये जो जगह है किचन एरिया इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ ऑफ द यू नो दोनों जगहों से, दोनों आप तरफ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास माइक्रोवेव ग्रिल ओवन इंस्टॉल है, हायर की डबल डोर फ्रिज है। साथ में आपके पास आ जाता है डर्टी किचन जो कि बड़े घरों में लाजमी होता है। अगेन नेस्केस ब्रांड का हुड एंड होब है, ग्रेनाइट का काउंटरटॉप है। मेन किचन से डर्टी किचन में आ जाए तो कोरियन से जरा ग्रेनाइट तक आपका वो आ चुका है। और इसके साथ बैक ऑफ द हाउस को जरा चेक कर लेंगे पीछे घर के क्या चीज है। पीछे बढ़ आपके पास प्रॉपर जो है बैक ऑफ द हाउस जो कि आप देख सकते हैं, एक जगह होती है जो कि आपने एक्स्ट्रा जो छोड़नी होती है तो वो जगह है जहाँ पे मेरे ख्याल में स्पाइरल स्टेयर केस है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जो कि आपका छत तक जा रहा है जहाँ पे आपके सर्वेंट क्वार्टर की एक्सेस है, क्योंकि घर का फ्रंट काफ़ी ठीक ठाक है डायमेंशन इस तरह के इसका काफ़ी आपको वाइड फ्रंट मिल जाता है, इसलिए बैक ऑफ द हाउस जो कि गली है वो भी आपको काफ़ी एक आपको अच्छी वाइड मिलेगी। इसको कर लेते हैं बंद व्यूअर्स, वापस आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। वो ड्राइंग डाइनिंग मैंने आपको दिखा दिया था, किचन और डर्टी किचन भी हमने देख लिया है। साथ व्यूअर्स आगे आ जाते हैं और ये आ जाता है इस घर का हार्ट ऑफ द हाउस, घर का टीवी लाउंज जो कि एक मैसिव टीवी लाउंज है। इस जगह से जरा आप इसकी इसके एरिया का आप आइडिया कर लें कि कितना मैसिव और बड़ा आपका टीवी लाउंज एरिया है। एक कोई बड़ी मैक्सिमम साइज की आपकी 100 इंचेस की भी LED यहाँ पे इंस्टॉल आप कर सकते हैं। फायरप्लेस आपका इंस्टॉल है, बहुत खूबसूरती से घर को बनाया गया है, प्रैक्टिकल रखा गया है और जो कि एक नॉर्मल एक अच्छी अकोमोडेशन होती है कि 5 बेडरूम्स हैं, 32 मरला है, ये नहीं कि कमरे ही बना दिए। खूबसूरत आपके पास जबरदस्त क्रिस्टल वर्क में शैंडेलियर है, 2 3-ब्लेड फैंस आपके इंस्टॉल हैं और इस जगह को आप मेन एंट्रेंस से भी एक्सेस कर सकते हैं जिसके उस तरफ ड्राइंग डाइनिंग है, इस तरफ आपका टीवी लॉन्च और 2 बेडरूम्स आ जाते हैं। टीवी लॉन्च के सामने विंडो पैनल है जो कि आपके पास यहाँ पे जगह है। लेट सपोज आप अपने इंटीरियर लॉन में बैठे हैं, कोई बारिश वगैरह आ सकती है आ गई, अगर आप बारिश इंजॉय करना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर ये एक छत है जिसके नीचे बैठकर आप जबरदस्त एक अच्छा मौसम भी एंजॉय कर सकते हैं। राइट लेफ्ट 2 बेडरूम्स हैं, वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। स्पेस आप चेक कर सकते हैं, आपके पास मैक्सिमम स्पेस जो होती है वो बेडरूम की स्पेस है। बड़ा खूबसूरत सीलिंग वर्क है, जबरदस्त आपका फीचर्ड वॉल है, ग्लास का एक्सपीरियंस है साथ, ये जगह है। इसके साथ व्यूअर्स आपको मिल जाती है बाहर क्या है, इधर भी छोटा सा व्यूअर्स आपको इंटीरियर लॉन एक मिल सकता है, यानी कि अगर आप इस बेडरूम में बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा आपको, मैं खोल के दिखा भी देता हूं, तो आप इस साइड से भी इस खूबसूरत छोटे इंटीरियर लॉन में 2-3 चेयर्स लगा के आप एक अच्छी शाम की चाय कॉफी इंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंदीदा उसके साथ। व्यूअर्स आपका साथ आ जाता है अटैच वॉशरूम, स्मार्ट आपका सारा जो है वो स्विचेस हैं जो कि फिंगर टिप से आपके जो है सारे ऑपरेट होते हैं। वार्डरोब एरियाज इनसाइड द वॉशरूम, बड़ा वॉशरूम, 2 वैनिटी, एक कॉमन LED बैकलाइट मिरर, वॉल हंग मोर और वहां जाके आपने करना है कंसील शॉवर के नीचे अपना शॉवर लेना है। आपको भी उसमें लेकर आ चुका हूं। इसके चलते हैं इसके घर के दूसरे ग्राउंड पोर्शन के बेडरूम की तरफ जो कि आप देख सकते हैं, छोटी मीडिया वॉल आपकी इंस्टॉल्ड है। साथ व्यूअर्स आपका आ जाता है एक बड़ा विंडो पैनल जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं इंटीरियर लॉन को। जबरदस्त कुशन वॉल है ब्रास की लाइंस के साथ, साथ ग्लास वर्क भी आपको नजर आ रहा है, कंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है चीजों की। आपके पास आ जाता है अटैच वॉशरूम, टोटल 5 बेडरूम्स हैं, आपके पास LED बैकलाइट मिरर, आपके पास वैनिटी बाउल, जकूजी इंस्टॉल है, साथ आ जाता है आपका शॉवर सेट कंसील और वॉल हंक मोड एंड वार्डरोब एरियाज आल्सो इनसाइड दिस ब्यूटीफुल बेडरूम। व्यूअर्स ग्राउंड पोर्शन कर लिया हमने सारा कवर, 32 मरले का घर है, 16.75 करोड़ रुपए की डिमांड है। चलते हैं अपर पोर्शन में जिसमें बहुत खूबसूरत एक OTS एरिया भी बना दिया गया आपके लिए और ऊपर चल के देखते हैं और क्या क्या इसमें खूबसूरत और मजे की चीजें। आज ऊपर चलते हैं। व्यूअर्स इस टी शेप्ड स्टेयर केस से होता हुआ मैं घर के ऊपर पोर्शन में आ चुका हूँ। व्यूअर्स नीचे आ रहा हूँ, दोबारा उस तरफ आता हूँ क्योंकि उस साइड पर एक बेडरूम है जिसको हम बाद में देख लेंगे। ये जो राइट साइड है आपके पास इधर एक बड़ा टीवी लॉन्ज एरिया आ जाता है, बड़े बड़े विंडो पैनल्स हैं, साथ आपके पास खूबसूरत एक शैंडेलियर है, 2 3-ब्लेड फैंस है, जबरदस्त वॉलपेपर वर्क है, कलर स्कीम बहुत बेहतरीन है। इतना बड़ा आपके पास अपर पोर्शन में भी टीवी लॉन्ज आ जाता है। साथ व्यूअर्स आपके पास आ जाता है अपर पोर्शन का किचन जिसमें ग्रेनाइट का काउंटरटॉप है, नेस्केस ब्रांड का हुड एंड होब है, आपका वॉशिंग एरिया, कैबिनेट्स साइज में आपकी सारी इंस्टॉल्ड है।
ये जो पोर्शन है इस जगह पे आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं, वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। साथ बहुत खूबसूरत सा एक ओटीएस एरिया है जहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन बारबेक्यू प्लान कर सकते हैं। वन बाय वन दोनों अपर पोर्शन के बेडरूम्स को देख लेते हैं। अपर पोर्शन के फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं, जिसकी एक्सेस बड़ी एक गली नुमाज की आपके एक्सेस है। एक बड़ा व्यर्स आपके पास डिसेंट स्पेस है, एक आपके पास खूबसूरत आपके पास बाहर बैल्कनी स्पेस है जो कि थ्रू आउट जा रही है और ट्री लॉन्च की सारी जो है उसकी फेसिंग तक। आपके पास एक बड़ी कुशन वॉल है व्यर्स, इसके साथ ब्रास की लाइन्स का खूबसूरत यूज है, ग्लास वर्क कह सकते हैं। साथ आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम जो कि देख लेते हैं व्यर्स। आपके पास वार्डरोब एरिया अगेन इनसाइड द वॉशरूम, वॉल हंग मोड, एलईडी बैकलाइट मिरर, कोरियन की वैनिटी, और साथ व्यूअर्स आपके पास आ जाता है यहाँ पे कंसील्ड शॉवर एरिया और कंप्लीटली टाइल्ड अप आपका ये वॉशरूम है व्यूअर्स। आपको व्यूअर्स मैं लेकर चलता हूँ घर के अपर पोर्शन के सेकंड बेडरूम की तरफ, दैट इज इन फ्रंट ऑफ दिस बेडरूम, बिल्कुल अपोजिट है। एक खूबसूरत फीचर्ड वॉल का मुझे बाहर से ही एक एक्सपीरियंस मिल गया था, व्यू हो गया था। ब्लैक कलर में कुशन वॉल है, साथ आपके पास खूबसूरत ये वॉलपेपर नहीं है, लुक्स लाइक अ वॉलपेपर, लेकिन ये जबरदस्त यहाँ पे एक मिनट में ग्राफिक वर्क हुआ है। ब्रास की लाइंस का यूज है, खूबसूरत आपका क्लासी सीलिंग वर्क है, दो विंडो पैनल्स हैं, साथ भी आपके पास आ जाता है अटैच वॉशरूम जिसमें वार्डरोब एरिया रूम के अंदर है, वैनिटी है, एलईडी बैकलाइट मिरर है, जकूजी इंस्टॉल्ड है, बड़ा एक आपके पास वॉल हंग कमोड है पोडा का, साथ व्यूअर्स आपके पास आ जाता है एक जबरदस्त कंसील्ड शॉवर एरिया। व्यूअर्स आपको मैं अपर पोर्शन की सबसे खूबसूरत जगह पर लेकर जाने लगा हूं जो कि आप देखेंगे भी जाके, वो है ये एक मजेदार जगह। जल्दी से आ जाए व्यूअर्स, मुझे बताएं व्यूअर्स कोई एक ऐसी चीज जो इस खूबसूरत घर में मिसिंग है, यानी कि आपका मेरे ख्याल में वाटरफॉल है। व्यूअर्स वाटरफॉल के बिल्कुल साथ आ जाता है आपका ये सिटिंग एरिया जो कि एक आपकी बारबेक्यू स्पेस है, यानी कि इस जगह पे आप 8-10 बंदे मिलके साथ स्पाइरल स्टेयरकेस जो कि छत तक भी जा रहा है, इस खूबसूरत जगह को जिसको बड़े खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, यानी आपके पास खूबसूरत स्टोन वर्क है, आर्चल ग्रास का है और लाइट इफेक्ट बहुत बेहतरीन यहाँ पे दिया गया है, यानी काफी अच्छी लाइट है यहाँ पे, आपके पास काफी अच्छा विजुअल है सारा एरिया ओटीएस एरिया। आपको फिर वापस मैं लेकर चलता हूँ इंटीरियर की तरफ, ये भी आपके बनेरियां बनी हुई हैं जहाँ पे बैठ सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पे बारबेक्यू प्लान कर सकते हैं, बड़ा एक अच्छा आप यहाँ पे टाइम एंजॉय कर सकते हैं। इंटीरियर में आ चुके हैं व्यूअर्स, उस साइड को एक्सप्लोर करने वाला हमारा काम रह गया था, उसको कवर कर लेते हैं। नीचे जाते हैं, फिर 6-7 स्टेप ऊपर जाते हैं, तो आज के घर के लास्ट और फिफ्थ बेडरूम की तरफ अपर पोर्शन के, अगेन खूबसूरत आपका मोल्डिंग वर्क है, फीचर्ड वॉल का एक्सपीरियंस चेक करें, ज़बरदस्त सीलिंग वर्क है और बड़े विंडो पैनल जो कि आपको पता है इस घर का वैसे ही एक मैं कह लूँ कि इसका पैकेज है। आपके पास एक बड़ा विंडो पैनल है, इसके साथ व्यूअर्स आपके पास आ जाता है आलीशान और बड़ा खुला डुला ये वॉशरूम है कि बेडरूम है व्यूअर्स। व्यूअर्स जरा चेक करें वॉशरूम का साइज, चेक करें जो कि पूरा एक बेडरूम मुझे लग रहा था। आपके पास वार्डरोब एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी स्टोरेज स्पेस है, खूबसूरत एलईडी बैकलाइट मिरर है, दो वैनिटीज हैं, वॉल हंग मोड, जकूजी इंस्टॉल, तीन जकूजी आपको मिल जाते हैं, साथ व्यूअर्स आपके पास अलग अलग ग्लास की सेपरेशन के साथ आ जाता है आपका कंसील्ड व्यूअर्स शावर एरिया। 16,75,00,000 व्यूअर्स इस जबरदस्त 32 मरला घर की डिमांड है, जिसमें आपकी हर एक जो बड़े घर वाला कोई शशका है सारे वो शशके पूरे हो रहे हैं। आपके पास प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, बड़ा इंटीरियर लॉन आ जाता है, ओटीएस एरिया आ जाता है, 5 बेडरूम आ जाते हैं और जबरदस्त एक आपके पास ओवरऑल घर एक मॉडर्न डिजाइंड आर्किटेक्चर पे ये बना हुआ है व्यूअर्स। 16,75,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है। घर को विजिट करने के लिए, इस घर को खरीदने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसको अवेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।